और ट्रेलर ट्रेलर आज म्यूज़िक लॉन्च है और बहुत एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर यू नो हर अपकमिंग एक्टर, हर एक इंसान जो अपने घर से या कहीं से भी एक्टर बनने के लिए आता है और उसको अगर ये मुकाम मिले तो हर बंदे की खुशी है ना, हर एक लेवल पे, एक नेक्स्ट लेवल पे रहती है। और मेरी खुशी तो यार सीरियसली बता रहा हूँ, ठिकाना नहीं है मेरी खुशी का, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है। मतलब मेरा मन कर रहा है लिटरली छलांगे मारूं यहाँ पे खड़े होके कि यू नो एक फाइनली एक मूवी करी अच्छे से और म्यूज़िक लॉन्च है फाइनली उसका होपफुली, और 6 मई को मूवी रिलीज़ है, खेल तो अब शुरू होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। और जब से मतलब मैं सीरियसली सो नहीं पा रहा हूँ, जब से मैं पिक्चर डन करके आया हूँ और अभी पिक्चर रिलीज़ है, पता चला पिक्चर रिलीज़ और मैं सो नहीं पा रहा हूँ तब से, इतना खुश हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकता सीरियसली, आई कैन एक्सप्लेन इट। कैरेक्टर मेरा बहुत एक अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और एक कसाई का रोल प्ले कर रहा हूँ मैं, बीइंग एन पंजाबी गाय, और बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, बहुत यू नो मैंने बहुत कह लो जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा था अपने आप को, और वो एक्सेंट सीखा यूपी एक्सेंट, बिकॉज इट्स द जो मूवी है पूरी यूपी एक्सेंट के ऊपर बेस्ड है और यूपी गैंग वॉर्स के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा यार, क्योंकि मैं पंजाबी लड़का, मेरी एज एन पहले भी स्लैंग में ना बात करने पंजाबी वगैरह बहुत स्लैंग आता था, बट बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी और बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे क्योंकि वहाँ पे जो लोकल ऑडियंस थी वो लोग मेरे को पहचान नहीं पाते थे कि दैट आम ए गाय, वो उनको ये था कि हाँ यार कि यू नो दैट इज़ अ मुस्लिम गाय और ये है ही ऐसा, सो इट 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 इट्स अ अचीवमेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है यार। डिफ़िकल्टी बहुत हुई है मेरे को सीरियसली, आई विल टेल यू डिफ़िकल्टी तो मेरे को इतनी एज इन लगा लो, जब से मेरे को डायरेक्टर ने देखा था और उन्होंने मेरे को छूटते ही बोलते थे कि नहीं यार ही इज़ नॉट गोना वर्क आउट एज इन, ये जो लुक है यहाँ पे, जो ये पर्सनैलिटी दिख रही है अभी, आप जो हो आप यू नो लुकिंग लाइक अ हैपनिंग गाय और अर्बन गाय, तो हमें जो चाहिए प्रॉपर एक देसी बंदा और रूरल बंदा जो गाँव वगैरह खेड़ों में घुमा हो और रहा है और उनके उन लोगों को समझ पाए, तो मैंने उनको ये बोला था कि नहीं यार सर मेरे को आई नीड सम टाइम एंड गिव मी सम टाइम, आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, एंड आई डिड यार, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, और वो पहचान नहीं पाए थे कि हाँ यार ये बंदा लिटरली कितना ट्रांसफॉर्म होके आया, आई गेन अराउंड 12 to 13 kgs यार, आई गेन दैट वेट, मैं बिल्कुल ही प्रॉपर रूरल हो गया था और बिल्कुल ही यू नो दैट अनटाइडी सा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लेने देना, और थोड़ा मैं घूमा उनके बीच में यूपी में, थोड़ा देखा कि वहाँ का स्लैंग कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वो कैसे कैसे बातें करते हैं, और वहाँ के जो कसाई लोग हैं वो कैसे कैसी बातें करते हैं, मैं फिर वहाँ जाके पता चला नहीं यार खड़े दिमाग के लोग हैं बिल्कुल, करना तो करना है, नहीं करना तो नहीं करा, तो बस वो चीज़ अपने अपने में आ गई, एक अडॉप्ट करी और बहुत अच्छा लगा यार, बहुत चैलेंजिंग था बट आई डिड माई वर्क एंड आई गेव माई 100%, मोर देन 100%, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार, लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। रुस्लान के साथ यार ही इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छा लगा उनके इनके साथ काम करने में, ही डिड अर्लियर मूवीज ऑल्सो और बहुत अच्छा लगा, ही गाइडेड मी थ्रू आउट द मूवी और यू नो ही वॉज हेल्पिंग मी आउट कि कैसा शॉट है भाई, एंड जैसे अगर मेरा शॉट है पर्टिकुलरली ओनली मेरा सोलो शॉट है, तो ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड ही इज़ लाइक कि नहीं यार तू इस तरीके से कर ले, यू नो इस चीज़ को मॉडिफाई ऐसे कर ले तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, एंड इट वर्कड आउट ऑल्सो, बहुत अच्छा लगा और बहुत स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा यार वो सब। फिल्मों में आने का कैसे सोचा, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही थी लाइक एक कॉर्पोरेट बंदा फिल्म में आना क्या स्टोरी? इट्स माय पैशन यार, इट वाज एंड इट इज़ माय पैशन, मेरे को आना ही था यू नो फ्रॉम माय चाइल्डहुड ऑल्सो, मैं यही था इन सब चीज़ों में, प्लेज वगैरह करता था स्कूल में भी, प्ले स्केच वगैरह हो गई, कॉलेज में थिएटर्स वगैरह तो मैं करता रहता था, आई एम फ्रॉम माई बिजनेस फैमिली एक्चुअली, और कॉर्पोरेट तो मैंने ज्वाइन करा था क्योंकि मुझे करना था फॉर माई यू नो दैट होता है कॉलेज टाइम में कि फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग्स और बट थ्रू आउट दिस माय फादर टोल्ड मी एक्चुअली कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन और अ गुड पर्सन इन लाइफ तो गो थ्रू फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर फर्स्ट, तो इसीलिए यार मैंने जॉब करी, बट ये जो मेरा पैशन था इसको मैं छोड़ नहीं सकता था, मैंने डैड को भी ये चीज़ बोली थी कि नहीं यार मैं अगर करूँगा तो अपना पैशन करूँगा, हाँ फॉर योर सेक और फॉर एवरीबडीज़ फॉर माई फैमिली सेक, हाँ मैं कुछ कर लूँगा बट जो मेरे को है करना है वो मैं करके रहूँगा, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फैमिली यार, उन्होंने मेरे को कभी डीमोटिवेट नहीं करा यार, ये नहीं बोला कि तू ये मत कर, ये ना कर, वो ना कर, ये कर ले, ये कर ले, उन्होंने कहा तेरा जो हमने मन में आता वो कर,
हर तरफ से सपोर्टिव रही मेरी फैमिली, उन्होंने ये बोला तो जो अच्छा लगता है, जो मन में आता है तू वो कर, हम लोग तेरे साथ, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। और मैं आगे भी सबसे ये बोलना चाहूँगा कि जिनके बच्चे एक्टिंग लाइन में या किसी भी लाइन में, आज की डेट में प्रोफेशनल कोर्सेज की इतनी वैल्यू हो चुकी है, आज की डेट में जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लोग उनको अपना पैशन, अपनी लाइफ, अपनी हॉबी बना, अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं, तो मैं सीरियसली चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स को भी उनको प्रमोट करो, उनको मोटिवेट करो, वो दे जस्ट नीड योर मोटिवेशन यार, दे जस्ट नीड योर सपोर्ट, वो लोग लिटरली ब्लास्ट कर देंगे, सीरियसली ट्रस्ट मी। अरे घर वाले तो यार लिटरली घर वाले एज यू ऑल नो दैट कि घर वालों को सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी होती है कि उनका उनका बच्चा कुछ करके आगे यू नो कुछ करना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है वो उसमें उसी फील्ड में कुछ कर रहा है। तो मेरे लिटरली घर वाले तो दे वर लाइक पार्टिंग है, अरे वो दिल्ली में तो बहुत पार्टीज वगैरह चल रही हैं और यू नो दैट फायरवर्क्स एंड ऑल, मेरे फ्रेंड्स वगैरह बहुत एक्साइटेड हैं, पार्टी कर रहे हैं लिटरली तब से कि नहीं यार हाँ तू आ जा भाई एक बार, बस हम लोग तेरे पीछे से यू नो कि बहुत एक्साइटेड। और लिटरली मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो पहले मंदिर वगैरह गए, उन्होंने वहाँ पे यू नो जो भी मन्नत वगैरह मांगी थी वो बहुत अच्छे से सब कुछ कर करके पूजा वगैरह करे, बट अब तो वो पार्टीज़ करें और वो बहुत खुश हैं यार।